कई बार क्या होता है कि हम बिना वजह बहुत सारी परेशानियां झेल रहे होते हैं, उसका कारण हो सकता है घर में छोटे छोटे वास्तु के ऐसे दोष जिनका हमें पता भी नहीं चलता। अब लोग कहते हैं कि हम बहुत सालों से इस घर में रह रहे हैं परंतु पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, या फिर कई बार क्या होता है नए घर में जाते हैं तो ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो उनका कारण क्या है और उनको आज कैसे हम दूर करेंगे, ये मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट सरिता गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वास्तु टिप्स जो है, नए घर में शिफ्ट हो रहे हो या फिर उसी घर में लंबे समय से रह रहे हो, आप परेशानी का सामना कर रहे हो और वास्तु शास्त्र के हिसाब से छोटी छोटी रेमेडी करके आप इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो और बहुत ज़्यादा उसमें कोई आपको स्ट्रक्चर का चेंज भी नहीं करना। हाँ, कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीज़ों की प्लेसमेंट से भी जो है आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हो। यानी कि ये सिद्धांत जो है तोड़फोड़ का नहीं है, परंतु जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, पर एनर्जी शिफ्ट करके लाइट से, पिरामिड से या बहुत सारी चीज़ें जिनको हम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको वास्तुशास्त्र में सबसे पहले जो पहला उपाय है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार शीशे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, चाहे वे अभी का समय हो यानी ट्रेडिशनल आप वास्तु में जाएं, यानी पास्ट में जाएं तो महाभारत के युद्ध से बात कर ले या फिर अभी बात कर ले। सही दिशा में प्लेसमेंट रखने से चीज़ों का जो है वास्तु का सही सॉल्यूशन होता है। जहां मिरर ऑब्जेक्ट्स को कई गुना बढ़ाता है पॉजिटिविटी को, तो वहां नेगेटिविटी को बढ़ाता है। तो नेगेटिव जोन में शीशा ना रखें, पॉजिटिव जोन में शीशा रखते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा में जो है आप शीशे लगा सकते हैं। भूल करके भी आप साउथ यानी दक्षिण पश्चिम दिशा या वायव्य कोण में शीशे ना लगाएं। वहां शीशे लगाने से कलेश, परेशानी, पैसे का नुकसान, लॉस, हेल्थ, मॉनेटरी हेल्थ खराब होती जाती है और उनको दिक्कत होती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है घर के मुख्य द्वार के अपोजिट शीशा बिल्कुल ना लगाएं और बेडरूम में बेड के सामने शीशा भूलकर भी ना लगाएं। इससे क्या है, स्वास्थ्य और जो है परिवार में परेशानी होती है धन के संबंधी। बाथरूम, आप जब मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं तो कई अब हर घर में 3 या 4 बाथरूम है, तो हर बाथरूम जो है कि वो सही दिशा में नहीं हो सकता। परंतु अब क्या करें, जब बाथरूम सही दिशा में नहीं है तो आप पूर्व की दीवार में एक बड़ा शीशा लगा दें। इसके अलावा आप नमक से कर सकते हैं, प्लास्टिक या कांच के बॉल में थोड़ा सा खड़ा नमक लेना है, सेंधा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, वो उसको एनर्जी हमारी चेंज हो जाती है। तो उस नमक को जो है हर 10 दिन बाद बदलते रहने चाहिए। देखिएगा आपके घर में कैसे पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से अच्छा भाग्य आता है और प्रभाव बढ़ता है। बुरा भाग्य और नकारात्मक प्रभाव आपसे दूर होता है क्योंकि यह अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और दूसरों की बुरी नज़र नहीं लगती। गुड लक भी मिलता है। घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कलर्स को सही दिशा में लगा सकते हैं। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में अगर लाल रंग लगाए जो कि अग्नि का रंग है, तो आप तुरंत हटाकर उसको वहाँ पे हल्का पीला या वाइट रंग कर दें, क्योंकि अग्नि कोण जो फायर की दिशा है वहाँ पे लाल की जगह काला नीला रंग लग गया, तो उसको भी वहाँ हटा दें और वहाँ पे हल्का गुलाबी या हल्का लाल रंग का टच दे दें। अलग अलग दिशाओं के हिसाब से अलग अलग कलर की आप पेंटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि हर दीवार पे अलग अलग कलर लगाना तो संभव नहीं है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने वाली पेंटिंग, लाइट का इस्तेमाल करके शुभ ऊर्जा को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और आप जो है एंट्रेंस की बात कर लेते हैं, वहाँ पर अच्छी रोशनी और पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी चाहिए। वहाँ पर कहीं भी अंधेरा ना रहे, ब्रह्म स्थान है वहाँ पर, शाम के समय जो है सारे टाइम में लाइट जलाएं। और आपने क्या करना है, आप जो है एक शैंडलियर या फिर जो है झूमर जो है ब्रह्म स्थान पर जला दें और उसको कम से कम 2-3 घंटे तक जलता रहना चाहिए। उसको जलने से भी लाइट का और घर का हर कोना जो है अंधेरे में नहीं रहे। शाम के समय 3-4 घंटे के लिए दिया बाती लाइट जलाने का नियम अब से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय अपना करके आप जो है अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, पैसे के फ्लो को ठीक कर सकते हैं, साथ ही अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नए वीडियो का लिंक दिया गया है जिनको आप देखें और से अपनी लाइफ को जो है आप जो भी सवाल है उसमें साथ में कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आप अपना नया वीडियो और मेरे जो है कौन सी उसमें चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद, फिर मिलती हूँ नए सब्जेक्ट के साथ।